हेलो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ पार्ट रह गया था। इसमें हमारे पास फंजाई, वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स हैं, जो हम आज कंप्लीट करेंगे। मैं आपसे फिर रिपीट करता हूँ, ये केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्विक रिवीजन के लिए, इससे आपका चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं। फंजाई आर फिलामेंटस, सभी कैसे हैं? फिलामेंटस है और मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्ट हमारे पास इसका एक्सेप्शन है, वो क्या है? यीस्ट। यीस्ट कैसी होती है? ये होती है यूनिसेलुलर। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ रखा है, क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स। किसकी बनी होती है? काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है इनकी सेल वॉल। अब इनके अंदर ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लिनोस्पोर। जो आपके पास कोनिडिया है, ये एक्जोजिनसली उत्पन्न होता है, मतलब बॉडी से बाहर उत्पन्न होगा और नॉन मोटाइल है। जूस्पोर मोटाइल है और आपका जो स्पोरेंजियोस्पोर है और जो आपका एप्लिनोस्पोर है, देखो जूस्पोर और आपका एप्लिनोस्पोर ये होते हैं एंडोजिनसली, क्लियर, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, ये सेक्सुअल स्पोर में होते हैं आपके ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके याद होने कंपलसरी है। अब इनकी सेक्सुअल साइकिल में तीन स्टेप होते हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन, गैमिट्स, प्रोटोप्लाज्म। तो आप ध्यान इसमें याद रखेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रेन है, जो फंजाई है, डिफरेंट टाइप की जो फंजाई, उनके गैमिट्स फ्यूज होते हैं। दूसरा कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, इसमें क्या हो गया आपके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मियोसिस इन जाइगोट, किस में होगा मियोसिस? मियोसिस होगा आपका जाइगोट के अंदर, और क्या बनेंगे? उससे बनेंगे हैप्लोइड स्पोर, और ये स्पोर जर्मिनेट होकर आपको बना देंगे माइसीलियम। फंजाई को चार क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, इसके मेन पॉइंट क्या होते हैं? द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। आप समझते होंगे इसका मतलब क्या है। मान लो हमारे पास ये माइसीलियम है, यदि बीच में इस टाइप से यहाँ पर ये सेप्टा होते हैं तो उसको बोलते हैं सेप्टेट, बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है तो ये हो गया आपकी एसेप्टेट, और एक सेल में अगर एक से अधिक केंद्रक होते हैं उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। तो इसका माइसीलियम कैसा होगा? एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक होगा। इसके अलावा जितनी तुम्हारे पास नेक्स्ट क्लास आएगी सबका माइसीलियम सेप्टेट होगा, क्लियर है। बात करते हैं इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वो होता है आपका जूस्पोर एंड एप्लिनोस्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर, राइजोपस, या आपका ब्रेड मोल्ड है, एल्बुगो, इंपॉर्टेंट है, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। नेक्स्ट मेरे पास दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज, इसको हम कॉमनली बोलते हैं सेक फंजाई। अब आपको याद कैसे रखा जाएगा ये सेक वर्ड, देखो आपका ध्यान निकल के आ जाएगा, पहले एस ए सी, तो एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं सेक फंजाई, याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए सेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया, जो होता है एक्जोजिनसली उत्पन्न होता है, ये जर्मिनेट होकर आपको देगा माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर्स, कैसा होता है ये? एंडोजिनसली होता है इन सैक लाइक एस्काई। अब देखो यहाँ पर दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड क्या? इसको बोलते हैं क्या हम? इसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। क्या बोलते हैं भाई? एस्कोकार्प्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है एस्कोकार्प्स। जिस पर क्या हमारे पास होंगे, जिस फ्लोटिंग बॉडीज पर ये एस्काई प्रजेंट होंगे उनको बोल देंगे एस्कोकार्प्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसका होता है पेनिसिलियम, आप सब बच्चे जानते होंगे, किससे प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक। यीस्ट क्या होती है हमारे पास? ये यूनिसेलुलर है और सब मल्टीसेलुलर है। क्लाइसेप्स एस्परजिलस, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं एस्परजिलस निगर होता है ये, इस सबको प्राप्त होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद होता है न्यूरोस्पोरा, ये इस्तेमाल होता है जेनेटिक वर्क में, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला है न्यूरोस्पोरा। अब मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये दो फंजाई इसके एडिबल होते हैं, क्लियर। अब मेरे पास तीसरी क्लास है बेसिडोमाइसिटीज, इसको हम मशरूम बोलते हैं, आप सबने मशरूम खाई होगी।
ब्रैकेट फंजाई, और इनको बोलते हैं पफ बॉल्स क्योंकि ये पफ जैसी हो जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, कौन सा भाई ध्यान रखना एसेक्सुअल है ये। उसके बाद द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी प्रेजेंट, क्या होती है प्लाज्मोगैमी होती है लेकिन सेक्स ऑर्गन क्या है एब्सेंट है। प्लाज्मोगैमी टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल के अंदर होती है, लिखा और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ रिजल्टिंग क्या बनते हैं हमारे पास, बनता है बेसिडियम, क्या बनता है बनते हैं बेसिडियम। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम और चार बनते हैं बेसिडियो स्पोर्ट्स, क्या बनते हैं चार, चार बनते हैं बेसिडियो स्पोर्ट्स। ठीक है भाई, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प्स, जहाँ पर ये बेसिडिया प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं बेसिडियो कार्प्स। अब इसका एग्जांपल, एकेरिकस को बोलते हैं मशरूम, उस्टिल को बोलते हैं स्मट और पक्सीना बोलते हैं रस्ट। एक सवाल 2011 में आया था, मिलान करने के लिए क्वेश्चन था वो, तो आप याद रखेंगे कि पी के बाद पी क्यू आर आता है, क्यू को छोड़ देना तो सीधा पी के बाद आर आता है, तो जो पक्सीना है वो रस्ट होता है। हमारे मेरे पास फोर्थ क्लासेस की ड्यूटेरोमासिटीज, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट पंजाई, क्यों बोलते हैं सेक्सुअल फेज आर अब्सेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल बेसिडोमासिटीज में है और सेक्सुअल आपकी किसमें है ड्यूटेरोमासिटीज में है, और एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनोडिया के अंदर। अब यदि इसके अंदर सेक्सुअल फेज फाइंड कर ली जाए तब इसको हम एस्कोमासिटीज या बेसिडोमासिटीज में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मेरे पास होती है सोट्रिक, ये बोलते हैं कैट। ठीक है, सी फॉर कोलिटोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा। ये आपका फंजाई कंप्लीट हो गया है। दूसरे चैप्टर में हमारे पास वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन्स है जिन्हें आर्ज विटकर ने अपने क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस या कोई स्थान नहीं दिया है। वायरस होते क्या है हमारे पास, ये लिखा है द वायरसेस आर नॉन सेलुलर, मतलब सेलुलर नहीं है, नॉन सेलुलर है, कोई इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग बॉडी। मैं आपको बताता हूँ, अगर वायरस के आप वायरस को बॉडी से बाहर, लिविंग बॉडी से बाहर आप चेक करेंगे तो वो इनर्ट क्रिस्टल है, लेकिन जैसे ही बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वायरस का फिनोमिना होता है। अब इनको वायरस नाम किसने दिया था, वो दिया था आपको नाम, वायरस नाम दिया था पाश्चर डीजे इवनोवस्की ने 1892 में। उन्होंने क्या चेक करा कि एक डिजीज़ है टोबैको में जो उनकी पत्ती को मोड़ देती है, उसको बोलते हैं टोबैको मोजैक। ठीक है, अब मतलब उन्होंने जाना कि जो ये डिजीज़ कॉज कर रहा है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है जो फिल्टर पेपर से भी क्रॉस हो जाता है, तो उसको नाम दिया उन्होंने वायरस। अब उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास आया एम डब्ल्यू बेजरेंकी, उन्होंने क्या काम किया, जो टोबैको की लीफ कर्ड हो गई थी वायरस की वजह से, उन्होंने उसको रफ किया और उसका एक फिल्टर निकाल लिया, उस फिल्टर को उन्होंने डाल दिया है जो हेल्थी प्लांट थे टोबैको के। तो वे क्या देखते हैं कि वे प्लांट भी क्या हो गए, इन्फेक्ट हो गए, मतलब जो फिल्टर था उसके अंदर कोई बैक्टीरिया से छोटा था। तो उन एम डब्ल्यू बेजरेंकी ने नाम दिया इनको कंटेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब संक्रमण या इन्फेक्शन फ्लूड। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया डब्ल्यू एम स्टाल ने, इन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया और बताया कि ये जो इसके वायरस के क्रिस्टल बनते हैं वो क्या होती है, लार्जली प्रोटीन्स होती है, लार्जली क्या होती है प्रोटीन्स होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2012 क्वेश्चन आया था, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या हमारे पास है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही वायरस आपको एड्स भी कर देगा और एक ही वायरस आपको कोरोना कर देगा, मतलब वायरस के अंदर एक होता है जेनेटिक मटीरियल और एक होता है प्रोटीन कोट। जो इसका जेनेटिक मटीरियल है ये इन्फेक्शन पैदा करता है, ठीक है, या तो ये डीएनए होगा या आरएनए होगा। ध्यान से अच्छी तरह से याद रखेंगे, किसी भी वायरस के अंदर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ना डीएनए
और ना आरएनए, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो सिंगल आरएनए मिलेगा या डीएनए मिलेगा, एक एक मिलेगा, दोनों डीएनए आरएनए एक वायरस में नहीं मिलते हैं। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, समझ गए ना। अब प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मतलब जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। आपके पास टीएमवी है, टोबैको मोजेक वायरस है, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे। बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स हमारे पास सिंगल या डबल आरएनए मिलेगा, स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा, मतलब जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिल सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल सकता है। अब एक बैक्टीरियोफेज है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया को अपना भोजन बना देता है, इसके अंदर मिलता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, ठीक है भाई। प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड, जो कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, क्लियर। अभी आपके पास डिजीज़ है, ये एनिमल के अंदर डिजीज, सॉरी ये ह्यूमन के अंदर डिजीज़ होगी, मम्पस, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना कि एड्स में कौन सा मिलेगा, आरएनए मिलेगा या डीएनए मिलेगा, ठीक है। अब ये प्लांट्स के अंदर अगर कोई प्लांट्स वायरस से इन्फेक्ट हो जाए तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, लीफ रोलिंग हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी, ड्वार्फिंग हो जाएगा और स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग है वायरोइड्स, यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं और 5 पॉइंट से इनके अलावा इन क्वेश्चन इन पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। पहला क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो नाम है साइंटिस्ट का टी ओ डाइनर ने, सन आपके सामने 1971, ठीक है भाई। ये वायरस से स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन वायरस, इसमें क्या होता है लैक्ड प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है, मतलब इसका आरएनए फ्री होगा, तो इसके अंदर मिलता है फ्री आरएनए, ठीक है भाई। द आरएनए ऑफ द वायरोइड्स वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, जो इसके वायरोइड्स के अंदर आरएनए मिलेगा उसका मोलिकुलर वेट कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। इससे क्या होती है डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर से होती है डिजीज। मेरे पास टॉपिकल लाइकेंस, लाइकेंस में क्या होता है एल्गी प्लस फंजाई, इनका होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। जो एल्गी कंपोनेंट उसको बोलते हैं फाइकोबायोंट और फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोंट। ये एल्गी क्या करता है, प्रिपेयर फूड करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फंजा क्या करता है, इसको रहने के लिए जगह देता है और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स या वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा है लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब जहाँ अगर ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ आपको लाइकेंस नज़र नहीं आएंगे, और ख़ासकर यदि SO2 का वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट है तो वहाँ पर लाइकेंस आपको नज़र नहीं आएंगे। अब इसका एक छोटा सा पार्ट बचता है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा।